आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ अभिनय। अभी हम रथ यात्रा में शामिल हैं। ये रथ यात्रा कृष्ण जन्माष्टमी को के उपलक्ष्य पर निकाला गया है। मैं आपको बता दूं कि ट्विंकलिंग स्टार प्ले स्कूल के द्वारा ये रथ यात्रा निकाला गया है। आइए, प्रबंधक सर हैं, इनसे बात करते हैं, क्या कुछ संदेश है सर? धन्यवाद न्यूज़ वाला नेटवर्क जी, जो आप आए, आपने इस रैली का आयोजन देखा। पिछले 10 साल से हम लोग ये आयोजन निकाल रहे हैं जन्माष्टमी पे रथ यात्रा, जिसमें बच्चे राधा जी कृष्ण जी बन के आते हैं। इनसे बच्चों में एक एक किए गए हैं कि संस्कार बच्चों के अंदर महत्व होते हैं। और हर त्यौहार हम लोग अपने स्कूल में बड़े अच्छे धूमधाम से मनाते हैं, जैसे बसंत पंचमी हो गई, न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो गया, जन्माष्टमी हो गई, दशहरा हो गया, तो हर पर्व हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं, जिससे बच्चों को पता लगे ये पर्व क्यों मनाया जाता है। तो मतलब जन्माष्टमी आने वाले हैं, उससे पहले? हाँ, जन्माष्टमी से एक दिन पहले हम लोग ये पर्व मनाते हैं, और जिसमें बच्चे राधा जी, कृष्ण जी, सुदामा जी, ये सब बन के आए हैं, इन सब के पात्र बन के आए हैं जी। बच्चे को क्या कुछ सीखने को मिलता है, आप एज अ प्रबंधक क्या देखते हैं, क्या कुछ सीख पाते होंगे बच्चे? बच्चे के अंदर एक संस्कार पैदा होते हैं कि राधा जी कृष्ण जी हमारे इस त्यौहार पे बनना चाहिए, बच्चों को एक इनका स्वरूप बनना चाहिए। तो बच्चे के अंदर हमारे जो प्ले स्कूल है, हम ही अपने बच्चों के अंदर भावना क्रिएट करते हैं कि ये चीज़ बच्चों के अंदर आनी चाहिए, अंदर से भावना राधा कृष्ण जी की। हम लोग जब छोटे छोटे हुआ करते थे, जब बच्चे हम लोग बनते थे राधा कृष्ण जी, आजकल ये पर्व बिल्कुल डाउन होता जा रहा है, पर हम लोग सोचते हैं कि अपनी संस्कृति को बच्चों को बताएं। सर का साफ तौर पे कहना है कि इन तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम से बच्चों के अंदर उत्साह बढ़ता है और अपने संस्कृति को लेके सजग हो पाते हैं। ट्विंकलिंग स्टार स्कूल के प्रिंसिपल मैम भी हमारे साथ है। मैम, ये तो एक बहुत अच्छा संदेश है बच्चों के प्रति जाता है, आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि हमारे को 12 साल हो गए हैं स्कूल को चलाते हुए, और हम लोग एवरी ईयर ये सेलिब्रेट करते हैं रथ यात्रा। हम लोग जन्माष्टमी की लेकर के जाते हैं, हम बच्चों को बताते हैं कि जन्माष्टमी में कृष्ण जी का जन्म हुआ था, सारे फेस्टिवल्स के बारे में बताते हैं, सिर्फ जन्माष्टमी नहीं। जन्माष्टमी का ऐसा त्यौहार है कि मतलब हम लोग रथ यात्रा लेकर के जाते हैं तो थोड़ा पब्लिसिटी ऐसे में हो जाती है, अदरवाइज़ इंटरनल स्कूल में हर फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और उससे बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, स्टेज फोबिया हटता है। पब्लिसिटी से क्या संदेश है आपका? पब्लिसिटी किस विषय में आपने पब्लिसिटी इन द सेंस कि मतलब बच्चों को पता चले कि हाँ, इससे भी एक किस्म से स्टेज फोबिया हटता है। अच्छा। जैसे एनुअल फंक्शन अब हमारा स्कूल में नहीं होता, हमारा रामलीला ग्राउंड में होता है, तो वो स्टेज फोबिया हटाने का हमारे को कॉन्फिडेंस लेवल लाना है बच्चों का, कॉन्फिडेंस डेवलप करने और स्टेज फोबिया को दूर करने के लिए, और साथ ही साथ ये कार्यक्रम बच्चों को उत्साह बढ़ाने के लिए भी है। धन्यवाद, ऐसी तमाम वीडियोज़ और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क।